जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और इस बारिश के मौसम में हर घरों में पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्विस्टेड पकौड़ा ले आई जिस पकौड़े में ट्विस्ट है और इस पकौड़े में क्या ट्विस्ट है ये आप एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी 3 मीडियम साइज के बिल्कुल स्लाइस में कटे हुए प्याज। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी जगह आप अदरक लहसुन कट कर भी डाल सकते हैं, और 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इन सबको हम थोड़ा मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 4 चम्मच बेसन और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि प्याज अच्छे से पानी को रिलीज कर दे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 बॉईल किया हुआ आलू, इसे हम अच्छे से घिस देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों आलू को घिस लिया है। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ गाजर और बीन्स। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी सब्जी आलू में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब मैं पहले हाथों में तेल लगा लूंगी, फिर इसका एक छोटा छोटा हम बॉल तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें बॉल को तैयार कर लेना है, इसे हम एक साइड रख देंगे और इसी तरह से हम सभी बॉल्स को पहले तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इसे प्याज के अंदर फिल करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है, प्याज के घोल को ले लिया है और इसे हम इस तरह से चपटा कर देंगे। अब हम एक आलू के स्टफिंग को लेकर इसके ऊपर डाल देंगे और प्याज को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, आलू को हर तरह से बंद कर देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो आलू इसमें से बाहर ना आ पाए। ऐसे हम इस तरह से एक शेप दे देंगे। तो मैंने इसे राउंड शेप दिया है, अब इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक को तैयार कर लिया, इसी तरह से मैं सभी को तैयार कर लूँगी। ऐसे हम एक साइड रख देंगे, इसी तरह से हम दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है। जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है तो तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही गर्म किया। उसमें एक एक करके सभी तैयार किए हुए बॉल्स को डाल दूंगी और इसके ऊपर से हम इस तरह से तेल भी डाल देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। और इसे बीच बीच में उलट पलट के भी चलाते रहेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे, और इसी तरह से हम इसे उलट पलट कर पका लेंगे और इसी तरह से हम इसे उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल देंगे और इसको चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इसे खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही बढ़िया पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।